नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। आज की ताजा खबर के साथ मैं हूं सत्येंद्र सेंगर। बघेलखंड सेवा समिति द्वारा गुरुवार को गोविंदगढ़ स्थित पोलो ग्राउंड में द्वितीय पंचकन्या विवाह का होगा आयोजन। युवा राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी कुंवर कपिध्वज सिंह द्वारा हमेशा से ही जरूरतमंदों और गरीबों की मदद की जाती रही है। उनके द्वारा सभी समाजों की गरीब कन्याओं के विवाह के लिए संकल्प लिया गया था, जिसके तहत पिछले वर्ष भी बघेलखंड सेवा संकल्प समिति द्वारा पंचकन्याओं का विवाह किया गया था और इस वर्ष भी 8 मार्च गुरुवार को गोविंदगढ़ के पोलो ग्राउंड में पंचकन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात भजन गायक राजकुमार शास्त्री द्वारा भजन गायन की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। गुरुवार गोविंदगढ़ पोलो मैदान में पिछले वर्ष के भांति यह वर्ष फिर से बघेलखंड सेवा संकल्प समिति द्वारा द्वितीय पंचकन्या विवाह के आयोजन किया जा रहा है। यह संबंध में अपना सब आदरणीय जनन का यहाँ आमंत्रित किए गया यह विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली बेरो अपना पंचकई से बहुत सहयोग रहा है, यह बेर आशा है और निवेदन है कि अपना पंचकई से सहयोग आशीर्वाद मिले। हम पंचे प्रयास यह करे थे संस्था के माध्यम से जो परिवार बहुत गरीब हो और जिनके घर में कन्या हो उनके विवाह करे के फिर वो सक्षम ना हो, ऐसे परिवारन से आवेदन दिया जाता है। आवेदन के जांच होती है, मौके बाद उनका चयन होते है। शादी के जोड़ा तय वो अपने से कह लेते हैं, ओके बाद के सारी कार्रवाई, ओके बाद के सारी व्यवस्था संगठन कैसे की जाती। वही वह पूरे क्षेत्र के सहयोग और उपस्थिति रहा थी। राजकुमार शास्त्री जी के द्वारा एक कार्यक्रम में संगीत प्रस्तुति हुई। शहर के एवं मंचल के आसपास के तमाम जितने प्रतिष्ठित जन हैं, जन सेवक हैं, जन प्रतिनिधि हैं, सभी का एक कार्यक्रम आमंत्रित किया गया है और अपना पंचे से एक बार फिर से यह उम्मीद रही कि अपना कहीं से पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन हम पंचे का मिले ताकि कार्यक्रम में जो कुछ कमी पिछली बेर रही गई रही वो का हम पंचे यह बेर पूर्ण कर सकें, कार्यक्रम का पिछली बेर से बेहतर बना सके। आवेदन तो करीब लगभग 20 है, हम पंचे अभी पाँचे के करे की स्थिति में है। एक एक स्पेशल केस है क्योंकि जब तय होगा 5 कन्या के, एक्चुअली नाम पंच कन्या है लेकिन शादी 6 हुई रही है। तो 5 जन के जब सब कुछ तय होगा रहा है उसके बाद एक स्पेशल केस आवा, मड़वा की बिटिया हैं, दिव्यांग है, दिव्यांग है और पिता नहीं है उनका, और जहाँ शादी हो रही है वह वरा वो दिव्यांग है, यूपी में शादी हो रही है, वर जो है वो दिव्यांग है यूपी के। तो इनका स्पेशल केस का इनका ऐड किया, बहुत अच्छी है। 5 के अतिरिक्त जब इनका रावा तो ये वकील का जो मेरे चलाया है, ये तो बहुत अच्छा है। कोशिश तो है कि कम से कम वर्ष में एक तो पंचकन्या हो गए करे और प्रभु की कृपा रही तो साल में एक से ज़्यादा करे की कोशिश रही हम बच्चे के। प्रयास यह है कि जितने आवेदन आवाए उनके सबके साथ प्रभु करना ही न करे पड़े। सामाजिक जीवन में लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता है और बहुत से ऐसे माता पिता आते हैं अपनी कन्या की शादी के मदद के संबंध में, उस समय यह आभास होता है कि समाज में कितने लोग ऐसे हैं अभावग्रस्त जिनको कन्या अपनी कन्या के विवाह करने में भी परेशानी होती है। ये स्थिति देख के आपस में फिर चर्चा हुई कि क्यों ना हम लोग ऐसा कोई पहल करें कि जितना हो सके ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हम लोग आगे आए।
ये हुआ कि कम से कम 5 कन्याओं से हम लोग शुरू करें। पिछली बार पहली बार ये 5 कन्या को हम लोगों ने लेके किया था। आगे योजना तो ये है कि गोविंदगढ़ में ये कार्यक्रम 5 कन्या रहे, लेकिन अगर ज़्यादा आवेदन आवत है तो हम पंचे फिर एक अलग प्रोग्राम गोविंदगढ़ के अतिरिक्त और स्थान पर उसका शिफ्ट करें, वो फिर जन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जितनी हो सके हम पंचे एंटरटेन करें। अपने अपने कार्यक्रम का हम पंचे शासन के कार्यक्रम से कभी कंपेयर नहीं किए हैं। और हम पंचे कार्यक्रम के उद्देश्य एक अपनापन के कारण है, जो ऐसा परिवार है उनका कमी न महसूस हो, समाज में अपने आप अकेला न समझे, सरकार की योजना में अपनापन के अभाव हो। और हमारे ख्याल सिर्फ कार्यक्रम होता है और यहाँ जमने जगह की कन्या रहती हैं वो गांव परिवार सब घराती के रूप भूमिका अदा करते हैं। 10-15 गांव घराती के रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं। एक कोशिश यह रहा थी कि घरों कार्यक्रम का सी रहा है, अपनापन रहा है कार्यक्रम में, कन्या से तो नहीं भेंट भाई, उनके पालकन से जरूर भेंट भाई, एक जन से तो कल भेंट भाई, उनका अब दूसरे कन्या की तर आए रहे हैं तो उनके पालकन से जरूर बीच बीच भेंट होती बात होती। और हमने जानकारी अनुसार सभी अपने परिवार में खुश हैं। इस बार विवाह हेतु कुल 20 आवेदन आए थे, जिसमें से 5 कन्याओं का चयन कर लिया गया था, लेकिन जब एक दिव्यांग युवती का आवेदन आया तो उसे ठुकराया नहीं गया। वैसे तो ये पंच कन्या विवाह आयोजन है, मगर इस बार 6 कन्याओं का विवाह होगा। इस आयोजन की काफी सराहना हो रही है, क्योंकि ये आयोजन बिना किसी सरकारी सहायता के किया जाता है। बघेलखंड सेवा समिति द्वारा एक कन्या के विवाह में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और उन्हें FD सहित 60,000 रुपए का गृहस्थी का सामान भी दिया जाता है। ये थी आज की ताजा खबर। मनोरंजन के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। नमस्कार। We'll be right back.